मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। शुक्रिया। स्टाइल है सर, हर किसी नेता का स्टाइल है, लेकिन एक नेता दोस्तों मैंने ऐसे ढूंढे पूरे देश में, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा, जिनका भाषण तीन पीढ़ियां समझ नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए, मुलायम सिंह जी। भाई साहब किसी को समझ में नहीं आया। अच्छा मुझे तो क्या, उनके बेटे तक को समझ में नहीं आया। अखिलेश जी से किसी ने पूछा, बोला अखिलेश जी आपके पिताजी ने क्या कहा? नेताजी ने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा ये उनको भी नहीं पता। अभी पिछले दिनों में भाषण सुन रहा था सर मुलायम सिंह जी का, यही समझ में आ रहा था कि राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता लग रहा था। आपको लगे कि मुलायम सिंह जी यहाँ पे आ गए तो मुझे बताना, सिर्फ एक लाइन समझ आ रही है कि राहुल ने मरवा दिया और कुछ भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। उन्होंने जैसी भाषण देना शुरू किया, हमारे बाली के जो हमारे पहले राहुल ने मरवा दिया। मुझे भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया, मैंने थोड़ा टीवी का वॉल्यूम तेज किया, मैंने कहा अब शायद समझ में आ गया, वो दोबारा सुन रहे। हमार बा चिल्लू वो लिखो जितने हमारे बात लिखे हमारे भैया अरे उत्तर प्रदेश की जितना पैदा डाई का जितना राहुल ने मरवा दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया जी, मैं पिताजी को ले आया बुला के, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो फिर शुरू हुए। हमारा बेटा अगले उत्तर प्रदेश जितने हमारे बात चिल्लू बोल रहे हो और हमारे माँ जितने हमारे राहुल ने मरवा दिया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देंगे। थैंक यू। पुलिस आई, आइए सर हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी आ गए, आपका स्वागत है, एक बार तालियां हो जाए, हमारे अधिकारी आए। बहुत बढ़िया भाषण देते हैं मोदी जी, पूरा आपको लगे कि शिल्पोत्सव में हमारे प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। अभी मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने उनसे बड़ी गंभीर समस्याओं पे बात की, मैंने उनसे बात की, मोदी जी पे बाल बाल काट के ले जा रहा है, न्यूज में चल रहा है, महिलाओं की चोटी काट के ले जा रहा है, आप सबने न्यूज में देखा होगा कल औरतों की सबकी चोटियां कट रही है पूरे हिंदुस्तान में। मोदी जी ने उस पर बयान दिया, आपको लगे कि मोदी जी यही बोलते तो पूरी मस्ती लेना तालियों के साथ। मोदी जी ने जवाब दिया, मैंने कहा मोदी जी सबकी बाल क्यों कट रहे हैं? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, ये हमारी माता बहनों को कैशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी है ना तो उनकी काटो जो ब्यूटी पार्लर में कटवा रहे हैं। सर पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए, मैंने कहा केजरीवाल जी सबकी चोटी ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी, सबकी ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी, सारी चोटी मोदी कटवा रहा है, इनके सारे केंद्रीय मंत्री गंजे हैं, ये चाहते नहीं किसी के बाल रहे इस देश के अंदर, सारी चोटी मोदी कटवा रहा है जी। मैंने कहा जी आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया, सिसोदिया गंजा नहीं है, मनीष सिसोदिया गंजा नहीं है, लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ा हुआ है।